आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं, अगर आपको एक साइबर कैफ है या आप एक इंटरनेट शॉप चलाते हैं, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक आपके लिए देखना बेहद महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका रुपया फंस सकता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे किन व्यक्ति का आपको पैन कार्ड बनाना चाहिए, किन का नहीं बनाना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे आवेदन आ जाते हैं जिसके नाम की वजह से आपका पैन कार्ड जो होल्ड पर चले जाता है, जिसके वजह से आपका जो रुपया वो फंस जाता है। तो ये बात आप पहले जान लेंगे किन व्यक्ति का पैन कार्ड बनाना चाहिए, किन का नहीं बनाना चाहिए, तो आपका रुपया कभी नहीं फंसेगा। जब भी पैन कार्ड आप बनाएंगे उसका पैन कार्ड 100% बन जाएगा। तो चलिए, किन व्यक्ति का नाम से पैन कार्ड बनाना चाहिए, किन का नहीं बनाना चाहिए, मैं आपको भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, यानी कि एक पीडीएफ। उस पीडीएफ में आपको जो भी सरनेम रहेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर, डीआर, मोहम्मद का शॉर्टकट एमडी होता है, तो उसमें जिसका नाम है, अगर उसके वही नाम आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति के फर्स्ट नेम दो अक्षर के होते, दो वर्ड के, मिडिल नेम भी दो अक्षर के होते हैं और लास्ट नेम भी दो अक्षर के होते हैं। अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में कहीं पे अगर दो अक्षर का कोई वर्ड है, तो उसमें किसका बनाना चाहिए, किसका नहीं बनाना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैंने आपको जो वीडियो की लिंक के साथ एक फॉर्म, मतलब एक पीडीएफ शेयर किया, जो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, उसमें वो लिस्ट दिए गए जिसका आपको बनाना चाहिए। अगर आप किसी का बना रहे एमडी नाम है उसके शुरू में या मिडिल में या लास्ट में, तो उसका नाम उस बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगर उस पीडीएफ में जिसका भी सर दो अक्षर के वर्ड है, वो अगर पीडीएफ में है, तो उसका आप बना सकते हैं। जैसे कि एमडी उस पीडीएफ में है, और बहुत सारे ऐसे टू वर्ड के नाम है जो है, बहुत सारे ऐसे जो नहीं है, जो नहीं है उस पीडीएफ में, उसका पैन कार्ड आप नहीं बनाएंगे। अगर आप पैन कार्ड बनाएंगे तो वो पैन कार्ड कभी नहीं बनेगा। ये जो पीडीएफ है मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि ए बी एक शॉर्ट नेम है, ठीक है। अगर किसी का पैन कार्ड बना रहे उसके शॉर्ट नेम में ए बी, यानी कि फर्स्ट नेम में हो या मिडिल नेम में हो, लास्ट नेम में हो, कहीं पे सिर्फ दो वर्ड का नाम हो, जैसे फर्स्ट नेम में सिर्फ दो ही वर्ड हो, मिडिल नेम में सिर्फ दो ही वर्ड हो या लास्ट नेम में सिर्फ दो ही वर्ड हो, तो उस दो वर्ड के जगह पर अगर ए बी रहेगा तो आप उसका पैन कार्ड बना सकते, ए एच रहेगा तो उसका पैन कार्ड बना सकते, ए आई रहेगा तो उसका पैन कार्ड बना सकते, ए जे रहेगा तो उसका पैन कार्ड बना सकते। इस लिस्ट में जो भी शॉर्टकट है, अगर उसके नाम के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में सिर्फ दो अक्षर है और वो अक्षर इस पीडीएफ में है, तो आप उसका पैन कार्ड बना सकते। ये जो वर्ड है, ये इनकम टैक्स की साइट पे इनकम टैक्स इसको फॉलो करता है, यानी कि इस वर्ड को इनकम टैक्स एक्सेप्ट करता है, इसको आप बना सकते। जैसे कि डॉक्टर, डी आर डॉक्टर आप अगर है तो उसका पैन कार्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें डी आर नहीं है, डी ए है, डी ई है, डी आई है, डी एन ओ, डी यू, डी ओ है, डी यू है, लेकिन डी आर नहीं है। तो जिसके भी आधार कार्ड पे फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम में डी आर है, तो उसका पैन कार्ड आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपका पैन कार्ड ऑब्जेक्शन में चले जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 142 वर्ड है, टोटल 142 वर्ड है। जैसे कि आप देखते हो कि एम डी, तो यहाँ आप देखते हैं एम डी भी है, एम जी भी है, एम एच भी है, जो भी इसमें शॉर्ट वर्ड नेम है इस लिस्ट में है, तो उसका आप पैन कार्ड बना सकते। जिसका इस लिस्ट में नहीं है, उसका आप पैन कार्ड नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो वो पैन फॉर्म आपका चले जाएगा ऑब्जेक्शन में। तो यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम आपको बता रहे थे कि किसका पैन कार्ड बनाना चाहिए, किसका नहीं बनाना चाहिए।